अगर इन ब्लॉक्स के कॉलम को हम वायर मान लें तो जनरली हम यही जानते हैं कि जो भी चार्ज पर यूनिट टाइम पास करेगा उसको हम करंट कहेंगे। तो शायद इसी वजह से हम सोचते हैं कि रेजिस्टेंस से पहले की चार्ज की वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगी रेजिस्टेंस के बाद के चार्ज की वेलोसिटी से, और इसी वजह से करंट घट जाना चाहिए रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन वायर में एक इलेक्ट्रॉन की जगह इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स क्लोजली पैक्ड रहते हैं, जिसकी वजह से अगर आगे के इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम ज्यादा होगी तो पीछे की सारे इलेक्ट्रॉन्स की उतनी स्पीड मेंटेन रहनी चाहिए। इसी वजह से करंट हमेशा सेम रहेगा।